गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में, और हमें कलम से क्रांति, और मैं हूँ अमृता। और यहाँ पे बिल्कुल भी सभी बच्चे परेशान नहीं होंगे कि कोई ब्लॉक है, नहीं, बिल्कुल आप ब्लॉक नहीं हैं, सभी बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मुझे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है कि मेरे क्लास से कुछ पहले अपनी आईडी के नाम बदल बदल के दो दिन बच्चे बात करते हैं, ठीक है। और उनमें से मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लड़कियों की आईडी से पैसे की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो बेटा, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको आप नहीं पहचानते हैं, प्लीज़ उसे गूगल पे या किसी भी तरह से पेटीएम से पे ना करें, ठीक है। अगर आप उसको फेस टू फेस जानते हैं तो ही आप उससे बातचीत करें, क्योंकि यहां पर किस आईडी के पीछे कौन है आप नहीं जानते हो। आज मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है, और दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगी बेटा, ये बदनामी वाली बात हो जाती है, पर मेरा मैसेज अगर आप तक किसी तक भी पहुंच रहा है तो प्लीज आप लोग ऐसी गलती नहीं करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि स्वीट बाबू, अगर इस तरह का मैसेज आएगा तो मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगी कि काली पीली नीली पीली। यहाँ पे एक बताओ, दो लाइटों के बीच में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका सिलेक्शन करवा रही हूँ, उतना काफ़ी है, मुझे यहाँ पे हीरोइन नहीं बनना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने पे ध्यान दो सब, ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, अगर ये जानना है आपको तो आप सिलेक्शन लेकर के एग्जामपुर के ऑफिस में आइए, बिल्कुल मुझसे मिलिए, ठीक है। और प्लीज़ मैं फिर से कह रही हूँ कि पैसे का आदान प्रदान आप नहीं करिए, ठीक है, पैसे का आदान प्रदान नहीं करिए। दूसरी बात, कई बार फीमेल फैकल्टी, चाहे वो कोई भी मैम हो यहाँ की या कई बार सर भी, बहुत ज़्यादा फेक आईडी बन रही है बेटा, उससे भी आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है, क्लियर है, चलो, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं अफवाह है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जो समझदार बच्चे हैं वह यहाँ पे मतलब समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक भी करवा देती हूँ तीन चार आईडी को तो भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं होगा, है ना। और जो ऐसे बच्चे हैं, प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो दूसरों के साथ। और अगर आप बड़े लोग हैं तो कुछ तो शर्म कर लीजिए कि आप छोटे मासूम बच्चों को फंसा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस हम करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए यहाँ पर जरा सा स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट, मैम बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया है, और इसका आप जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए, जल्दी से इसका यहाँ पर आंसर दीजिए आप सभी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दीजिए, ठीक है। हशीश इज ऑप्टेन फ्रॉम ए प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज ऑप्टेन। हशीश एक पौधे से प्राप्त होता है, और पौधे के किस भाग से इसे प्राप्त किया जाता है, इसको जल्दी से आप सभी बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। हशीश नाम है इसका, हशीश, ठीक है, तो जल्दी बताओ। हाँ, हशीश प्लांट, बिल्कुल सही बात है, हशीश प्लांट, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। तो मैं ही बता देती हूँ, अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डी है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डी है, ठीक है। तो सबसे पहले, कई बच्चों को नहीं पता होगा कि हशीश क्या है, तो बेटा देखो, यह एक तरह का प्लांट होता है, ठीक है, और इससे ड्रग निकाला जाता है, यानी कि औषधि इससे बनाई जाती है, ठीक है, और इट इज कंज्यूम्ड बाय द स्मोकिंग ए स्मॉल पीस। अगर इसको जला दिया जाता है, थोड़ा सा इसका धुआं जैसा बनाया जाता है, उससे यह प्राप्त होता है, और जो इसका प्रोडक्ट नाम है, यह प्रोडक्ट मार्केट में हशीश नाम से ही बिकता भी है, ठीक है। इसका जो पार्ट होता है वो ट्राइकोम बोलते हैं जिसे, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, और यह सबसे ज्यादा सेंट्रल और साउथ एशिया में पाया जाता है, यानी कि जो आपका मध्य और दक्षिणी एशिया है उन प्रदेशों में यह पाया जाता है। और कहां से निकाला जाता है आप बताएंगे, कि स्टेम यानी कि तने से निकाला
पाया जाता है और तने के साथ साथ जो मेल इन्फ्लोरेंस पार्ट होता है, इसका मतलब जो नर के जो पुष्प क्रम होते हैं उनसे भी यह मिलता है। क्लियर है बेटा? चलिए, सभी को नमस्ते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पर लगा दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? ठीक है, हाँ पहली बार सुना होगा कई बच्चों ने, पहली बार सुना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई चीज़ें हम हर एक चीज़ जो भी है वो भी क्या है, हम किससे याद रखते हैं, पहली बार ही तो सुनते हैं ना। चलो, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट, शरीर का कौन सा अंग कभी भी आराम नहीं करता है, कभी भी आराम नहीं करता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे, नहीं बेटा अनिरुद्ध आप ब्लॉक नहीं हैं, चलो बातें नहीं अब, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे हर्ट कह रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर ब्रेन कह रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर, क्या क्लास होगा, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या क्लास होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, इसका जो आंसर है वह क्या होगा यहाँ पर, हृदय होगा, डी आंसर होगा। तो अगर हम सेकेंड नंबर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर भी क्या है यहाँ पर, डी आंसर होगा। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे यह कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है वह कभी आराम नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा जो हृदय होता है वह कभी भी आराम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सही है, सबका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, जो डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, हर्ट, ठीक है मैम, हमारा दिल, ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अब हम यहाँ पर। द प्रेजेंस ऑफ विच डिस्टिंग्विश ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल, जो एक जंतु कोशिका होती है और जो पादप कोशिका होती है उसमें मुख्य अंतर किस बात का होता है, किस बात का होता है, नहीं सोते के टाइम पे, सोते के टाइम पे नहीं, ब्रेन कभी भी थोड़ा सा आराम कर सकती है, मोस्टली सोते हुए टाइम पे करती है, ठीक है डीजे कूल। चलो जल्दी से बताओ, वेरी गुड, आशीष का आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर, चीकू का आंसर सही है यहाँ पर, नितिन नितिश का आंसर सही है, और रोहित का आंसर सही है, और राहुल का आंसर सही है, और मोनिका कपूर का आंसर बिल्कुल सही है, किंग का आंसर सही है, और दादाजी आ गए तुम, ठीक है, दादाजी का आंसर भी बिल्कुल सही है। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो थर्ड में जो पहला पार्ट है उसका आंसर यहाँ पर बी होगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पर सेल वॉल के बारे में बात करते हैं तो सेल वॉल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बता रहे थे, पर्णहरित बता रहे थे, लेकिन पर्णहरित बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि अगर हम एक युगलिना के बारे में बात करते हैं, जो युगलिना एक जंतु है, उस जंतु के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। कभी-कभी पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम के अंदर भी क्या हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सब में पाई जाती है, केंद्रक सब में पाया जाता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है यही मुख्य अंतर होता है किसमें, प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। नेक्स्ट लगा दीजिए। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहां पर क्या लिख लेंगे, आप बताओगे सेल वॉल लिख लेंगे, ठीक है, भारत का भविष्य, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, फोर्थ जो क्वेश्चन है वह कौन सा होगा, कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग शेल्टर हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड, यानी कृषि की वह शाखा जो घरेलू पशुओं के भरण पोषण के स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित है। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका, फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्या आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ का बेटा। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग अल्ट्रेश शेल्डर हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड, वेरी गुड, पशुपालन, गुड, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पे आंसर के बारे में बात करें तो फोर्थ का आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी आंसर होगा, पशुपालन, ठीक है। चिकित्सा नहीं होगी बेटा, चिकित्सा में तो केवल दवाई दी जाती है, इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, और जो पशु चिकित्सा विज्ञान है वह तो नहीं है, डेयरी में केवल दूध वगैरह का प्रबंधन बताया जाता है, पोल्ट्री में आपका क्या होता है, जो मुर्गी होती है, बतख होता है, तीतर होता है ना, उसको पाला जाता है, ठीक है, परियों की रानी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम डी की बात करें तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए।
एडवर्ड जैनर इज एसोसिएटेड विद, जो आपका फिफ्थ आंसर है, जो आपका फिफ्थ आंसर है। हाँ जय एग्जाम्पुर, बेटा डिलीट नहीं करना चाहिए था, बताना चाहिए था। ठीक है पंकज, रजनी, अभिषेक, दादाजी, सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नहीं एग्जाम्पुर, मैंने आपको कमेंट का वहां पे आंसर दिया था और वो आज रात को भी मैं दे दूंगी। ठीक है चलो, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद, एडवर्ड जेनर के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ठीक है चीकू, एकदम सही आंसर है आपका, और रतन, रवि, दीप और जय एग्जाम्पुर, एग्जाम्पुर के भविष्य, सबका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अगर हम सी के बारे में बात, संदीप, कंचन, बसंत, श्रीकांत, डॉन, सबका आंसर सही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आशीष का आंसर सही है, तो अगर हम फिफ्थ के बारे में बात करते हैं तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या है? सी आंसर है। ठीक है, तो जो स्मॉल पॉक्स है वह किससे जुड़ा हुआ है? एडवर्ड जेनर से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया था, जो काऊ पॉक्स होती है, जिस तरह से चेचक होता है हमारे शरीर में, वैसे गाय के ऊपर कौन सी बीमारी हो जाती है? काऊ पॉक्स नाम की बीमारी होती है। और उसी काऊ पॉक्स के लिए या फिर इसके लिए इन्होंने क्या काम किया था? वैक्सीनेशन का काम किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ द वैक्सीनेशन, टीकाकरण के पिता कौन है, तो भी आप क्या बताएंगे? एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पर। अ प्लांट विद कंपाउंड लीव्स इज, एक ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां यौगिक होती हैं, जिसकी पत्तियां यौगिक होती हैं? चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। ऐसी कौन सी पत्तियां हैं, ठीक है, जिसकी पत्तियां यौगिक होती हैं? चलो जल्दी से बता दो यहां पे क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर यहां पर होगा। वेरी गुड, नरेंद्र का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, नरेंद्र का आंसर बिल्कुल यहां पर सही है। बिल्कुल रितु का आंसर सही है और अरविंद का आंसर सही है और ज्ञानचंद्र का आंसर सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोकोनट, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर सिक्स का आंसर होगा, यहाँ पर बी आंसर होगा। सिक्स का क्या आंसर होगा? यहाँ पर बी आंसर होगा, जो नारियल होता है। नेक्स्ट लगा दीजिए। अब देखो बेटा, आप सभी ने नारियल का पौधा देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा तो आपने टीवी वगैरह में तो देखा ही होगा, मूवीज में तो देखा ही होगा। तो अगर आप उसको बात करें तो उसकी पत्ती एक इस तरह से लगी हुई होती है ना, और इस तरह की जो पत्ती होती है उसको क्या कहा जाता है? इस तरह की पत्ती होती है तो यही क्या है? यौगिक पत्तियां, यानी कि कंपाउंड पत्ती कहलाती है। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे क्या आंसर होगा? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने रक्त परिसंचरण के लिए पहली बार बताया था। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ यहाँ पर, उनका क्या नाम है यहाँ पर, क्या नाम है? वेरी गुड, जय एग्जाम्पुर, ज्ञानचंद, अजीत और किंग, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर है वो है बी आंसर, विलियम हार्वे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है सेवंथ, ठीक है, तो सेवंथ का जो आंसर है वो कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले मानव के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले उन्होंने देखा था, वो कौन थे आप बताओगे? विलियम हार्वे थे। कौन? विलियम हार्वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, आपको यहां पर चार तरह के नाम दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो भोजन को पचाने के लिए कार्य नहीं करता है? ठीक है, जल्दी बता दीजिए यहां पर अंकित, ठीक है, जल्दी बताओ यहां पर क्या आंसर होगा। वेरी गुड, एग्जामपुर का आंसर सही है, जे एस यादव का आंसर बिल्कुल सही है, नवदीप का आंसर सही है, दादाजी तो बिल्कुल ग्रेट है, दादाजी का आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और डीजे कुल का आंसर सही है, नवदीप का आंसर सही है यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर इंसुलिन कह रहे हैं, चीकू का आंसर ठीक है बेटा यहाँ पे, और के सी कुमार का भी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, रंजीत का आंसर सही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो अंजू का आंसर सही है, तो अगर हम एड्स के बारे में बात करते हैं तो एड्स का आंसर यहाँ पे क्या होगा?
होगा, सी आंसर होगा, यानी कि इंसुलिन इसका सही आंसर है। क्यों ऐसा है? देखो बेटा, अगर हम इंसुलिन के बारे में बात करते हैं तो जो इंसुलिन है एक्चुअली में वो एंजाइम है ही नहीं, वह क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए काम करता है। और बाकी का जो तीन है, ठीक है, बाकी के जो तीन है वो क्या काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं और वो प्रॉपर एंजाइम है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शर्करा को ठीक है, क्लियर है, शर्करा को नियंत्रित करता है कौन, ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों मिलकर के। ठीक है, आज इजी है। ठीक है, देखो बेटा, मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करवा रही हूँ, है ना, ये मैंने खुद नहीं अभी बनाए हैं, मैं ऑनेस्टली बात करती हूँ, ये मैंने खुद नहीं बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज फुट फॉरवर्ड बाय, विकास के सिद्धांत को आगे किसने रखा, विकास के, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, किसने रखा था, डार्विन ने रखा था, किसने रखा था, डार्विन ने रखा था, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नाइन्थ का जो आंसर है यहाँ पर, नाइन्थ का जो आंसर है वह क्या है यहाँ पर, चार्ल्स डार्विन है। कौन है बेटा, चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आपका आता है यहाँ पर, इन ए ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द, अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर होती है, चलो जल्दी से आंसर कर दो इसका, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं आज ना, तो सबका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, फिर भी बच्चे गलत करते हैं, बताओ। देखो कुछ बच्चों को नहीं पता, इसीलिए इजी क्वेश्चन भी यहाँ पर है। ठीक है, डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ाया था, अच्छा ठीक है, चलिए बताइए आप सबसे पहले टेंथ का आंसर करिए, यहाँ पर क्या आंसर होगा, बी आंसर, बी आंसर। देखो कुछ बच्चे गलत कर दिए ना यहाँ पर, वर्टिबल कॉलम मेरुदंड कैसे हो सकता है, फीमर कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे थाई कह रहे हैं, कुछ बच्चे रिबकेस कह रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये आलम खान को जरा सा ब्लॉक कर देना। ठीक है, तो अगर हम टेंथ के बारे में बात करते हैं तो टेंथ का जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी आंसर होगा। अगर हम थाइस के बारे में बात करते हैं, अपनी जांघ के बारे में बात करते हैं, तो जो आपकी थाइस होती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आप बताओ कि फीमर वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो फीमर होता है वह कैसा है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी बोन होती है। अब जो बच्चे यहाँ पर कशेरुकी दंड कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि जो कशेरुकी दंड होता है वो बहुत सारी किससे मिलकर के बना हुआ होता है, बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है, वर्टिब्री से मिलकर बना होता है, कितनी, 33 वर्टिब्री से मिलकर के ये बना होता है। और कितनी हड्डियां लगी हुई होती है लाइन से, 26 हड्डियां यहाँ पर लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो वो आंसर नहीं होगा, वो गलत बता रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फीमर, यानी कि जो आपकी थाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि पंजर बिल्कुल गलत है, सबसे लंबी सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे लंबी हो चाहे सबसे बड़ी हो जाए एग्जाम्पल, दोनों में ही सेम क्वेश्चन, सेम आंसर आएगा, रीढ़ की हड्डी कभी भी लंबी या बड़ी में नहीं आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करेंगे अब, हाँ मैं इस कब के क्वेश्चन कराऊंगी कुमार, परेशान मत हो, है ना। चलो अब इसके बाद है हम यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज ए मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द प्रोटीन, इनमें से ऐसा कौन सा फसल है, ऐसा कौन सा फसल है जो, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लंबी और बड़ी दोनों का यहाँ पर सेम ही मतलब होगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा, बिल्कुल वेरी गुड, सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए अभी यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं इलेवेंथ के बारे में, ठीक है, तो इलेवेंथ का आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, तो जो सोयाबीन होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, परेशान मत हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जस्ट, वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ निमोनिया सार्स प्रेजेंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि निमोनिया सार्स का नया रूप कहाँ से शुरू हुआ है, चलो अब इसका आंसर करो, ट्वेल्थ का भी आप कह रहे थे ना, बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, चलो अब इसका आंसर करो यहाँ पर जल्दी से, ठीक है जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका बेटा, क्या आंसर होगा, हाँ जल्दी आंसर करो इसका,
किसी ने सही आंसर अभी तक नहीं दिया है। नहीं, तुक्का मार रहे हैं अब तो दादाजी भी, तुम तुक्का मारने लग गए है ना। चाइना, ठीक है चाइना। तो नेक्स्ट जो 12 का आंसर होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा? चाइना आंसर होगा, सी आंसर होगा। ये मैंने पढ़ाया है बहुत पहले जब डिजीज पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे सार्स के बारे में कि सार्स क्या है। इसके ऊपर ना आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पिछले साल से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सार्स है वह क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सार्स है वह क्या है। तो आप लिखो यहाँ पे सीवर एक्विट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप यहाँ पे लिख लो इसकी जो फुल फॉर्म है वो कौन सी है, सीवर एक्विट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, चलो सबने नोट कर लिया होगा, जल्दी से इसको नोट करो। अगर हम बात करते हैं सांस डिजीज के बारे में तो ये क्या काम कर रही है, आप बताओगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा यहाँ पे श्वसन संबंधी यह रोग है, कैसा है? श्वसन संबंधी यह रोग है। और किसकी वजह से होता है बेटा ये, आप बताएंगे कि यह वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसका मतलब विषाणु जनित यह रोग है, कैसा है? विषाणु जनित रोग यह होता है। और सबसे पहले बॉडी के अंदर निमोनिया होता है और धीरे धीरे वह निमोनिया आपकी जान भी ले सकती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे 13, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द ह्यूमन बीइंग। देखो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताया था क्या आंसर होगा यहाँ पर। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं 13 का तो आंसर क्या होगा, 33 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लगा दीजिए, 33 इसका सही आंसर है, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये क्या है, आप बताओगे वर्टिब्री है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बोन कितनी होती है, अस्थि कितनी होती है टोटल, तब आपको आंसर क्या लगाना है, 26 लगा करके आना है, ठीक है, 26 तरह आना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट चीज देखेंगे, ठीक है। आशीष अब्बास, ठीक है, चलो पढ़ाई करो, अच्छी बात है ये तो बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के औसतन कितने प्रतिशत पे ऑक्सीजन का तत्व होता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। कोई कह रहे हैं 25, कोई कह रहे हैं 65, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही बात है, 65, वेरी गुड। यहाँ पे जो आंसर होगा कौन सा, वो होगा 65, यानी कि 65 कहाँ पे दिया हुआ है, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए आंसर आपका सही है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है, आप बताएंगे कि 65% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, कितना होगा, 65। नेक्स्ट लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से कि BCG वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो BCG टीकाकरण है वह नवजात बच्चों को कब तक दिया जाता है, यानी जन्म के तुरंत बाद दे देते हैं, 48 घंटे के भीतर देते हैं, 7 दिनों के भीतर देते हैं, या फिर 6 महीने के भीतर देते हैं, ठीक है। अल्बर्ट आशीष, ठीक है, क्या आंसर होगा यहां पर, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात है, विद इन 48 आवर्स, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 का आंसर करते हैं तो बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर हम 15 का आंसर कर रहे हैं तो बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं BCG के टीकाकरण के बारे में, किसके, BCG के टीकाकरण यानी कि वैक्सीन के बारे में, ठीक है, तो यह क्या है, 48 घंटे के भीतर दे देना चाहिए, किसके अंदर, 48 घंटे के अंदर छोटे बच्चे को यह दे देना चाहिए।
इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में कई बार BCG का फुल फॉर्म पूछता है या फिर यह कह देता है कि बी मतलब क्या है, सी मतलब क्या है और जी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो बी मतलब क्या होता है। आप लिखेंगे यहाँ पर बैसिल, क्या लिखोगे? बैसिल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? बैसिल होता है। दूसरा जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है कैलमेट, तो यहाँ पे सी मतलब आप लिख लो क्या है? कैलमेट होता है, कैलमेट होता है। तो जल्दी से आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यह क्या है यहाँ पे? कैमलेट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद पूछता है कि जी मतलब क्या होता है, आप बताएंगे ग्वेरिन होता है, तो इसको आप लिख लो यहाँ पे ग्वेरिन होता है। लिखो बेटा साथ में, ठीक है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो BCG है वह क्या है, आप बताओगे कि यह माइकोबैक्टीरियम होती है, एक बैक्टीरिया होती है, उसी का टीका बना करके इसको ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ये जो टीका दिया जाता है वो बच्चों को क्यों दिया जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर TB का रोग ना हो। ठीक है, TB का रोग ना हो, इस वजह से यह इसको दिया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसको आप सभी को ध्यान में रखना है। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं उनको याद, पुराने बच्चों को तो याद है, वेरी गुड, पुराने बच्चों को याद है, नए बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर ये चीज़ याद में रखनी है कि इससे क्या होता है कि बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस ना हो यानी कि TB ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डंकी इज कॉल्ड, मानव में कशी, ये देखो गलत आ गया, गलत लिख गया है, तो इसको हिंदी में गलत लिख गया है, मानव में कशोरिको वाला गलत लिख गया है। इसका सिंपल से मतलब है कि अगर एक घोड़ा और एक गधा, एक घोड़ा और एक गधा का संकर क्या कहलाता है? चलो जल्दी से आंसर कर दो वासिफ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जल्दी आंसर कर दीजिए। यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? नहीं बेटा, मेरी इस टाइम पे रोज क्लास नहीं होती है, मेरी केवल थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन क्लास होती है इस टाइम पर। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? मूल, वेरी गुड। यहाँ पे जो आंसर है 16 का वह कौन सा होता है? मूल आंसर होगा, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लगा दीजिए। जेब्रा बिल्कुल नहीं होगा, पिटाई हो जाएगी, जेब्रा कैसे हो जाएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। ठीक है, मूल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, पोनी नहीं होगी। ठीक है, ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ द, ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? जल्दी से बता दीजिए, ग्लूकोमा किसकी बीमारी होती है? चलो जल्दी बताओ बेटा, ये तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है बेटा जी, ग्लूकोमा। काफ़ी बच्चे यहाँ पे मैराथन क्लास के कह रहे हैं, मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, लेकिन संडे को मेरे को स्टूडियो इस टाइम पे फ्री नहीं मिल रहा है बच्चों, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, लूँगी मैं मैराथन क्लास, लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो, तो अगर हम ग्लूकोमा के बारे में बात कर रहे हैं तो यह किससे रिलेटेड डिजीज़ है बच्चों? आइज से रिलेटेड डिजीज़ है, तो लिख लो यहाँ पर डी आंसर होगा। 17 का क्या आंसर होगा? यहाँ पर डी आंसर होगा, आँखों से संबंधित यह रोग होता है। क्यों हो जाता है यह रोग? आप बताएंगे कि जो हमारी ऑप्टिकल नर्व होती है, ऑप्टिकल नर्व मतलब आंख के पीछे से एक जो नर्व है, एक नस कह सकते हो उसको, ठीक है, एक तंत्रिका वाली जो नस है वो पीछे से हमारे ब्रेन तक जा रही है, उसमें किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारी आंखें खराब होने लग जाती हैं। ठीक है, तो वही क्या है, आप बताओगे कि जो आंखों में अंधापन सा छाने लग जाता है वही चीज है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, हमें दिखाई नहीं देता है, आंखों के सामने धुंधला सा दिखाई देता है, और इसके अलावा जो विजन है, दृष्टि है, उसमें धुंधलापन दिखाई दे रहा है, वही आपका ग्लूकोमा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह कुछ इस तरह से है, द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन वाटर टैंक इज, पानी की टंकियों में कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? चलो जल्दी से आंसर कर दो यहाँ पर,
क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा यहां पर? ठीक है, कोई बात नहीं विनोद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वह ए है। ठीक है, तो 18 का आंसर यहाँ पे लिख लो प्यारे बच्चों, ए आंसर होगा। अगर हम पानी की टंकी में कॉपर सल्फेट को डाल देते हैं, अगर हम पुरानी जो टंकी है या नॉर्मल पानी की टंकी है उसमें हम फंगस को मारने के लिए कॉपर सल्फेट को अगर हम डाल देते हैं तब क्या होता है, आप बताओगे कि काफ़ी ज़्यादा फंगस वहाँ पर आसानी से मर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे अब यहाँ पर। ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ, जो मानव के वृक्क में यानी कि किडनी में अगर किसी तरह का कोई किसी प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट की वजह से अगर कोई रोग हो जाता है तो वह कौन से प्रदूषक के कारण होता है? चलिए चलिए आंसर कर दीजिए यहां पर, बताइए बताइए 19 का क्या आंसर होगा यहां पर, 19 का क्या आंसर होगा? वेरी गुड, ए आंसर होगा कैडमियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगर हम कैडमियम के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो कैडमियम होता है वह क्या काम करता है, मनुष्य की किडनी में क्या कर जाता है, दिक्कत दे देता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से फिल्ट्रेशन हमारे ब्लड का नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारी किडनी है वो क्या काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका यहाँ पर। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? ठीक है, ये भी मैंने 2-3 दिन पहले ही रात वाली क्लास में भी करवाया था। क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा? पानी की कमी की वजह से हो जाता है। तो डी आंसर यहाँ पर लिखिए कि अगर हम बात करते हैं डी यानी कि पानी की कमी की वजह से ही क्या हो जाता है, हमारे शरीर से में डिहाइड्रेशन हो जाता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाइड्रेशन, हाइड्रा लिखा है, हाइड्रा मतलब पानी, हिंदी में लिखा हुआ है निर्जलीकरण, जल जल नहीं है, बस इससे आप समझ सकते हो पानी की कमी। ठीक है, नमक नहीं होगा, नमक नहीं होगा, पानी और नमक दोनों से होता है लेकिन यहां पे जब जल दिया हुआ है तो जल ही सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एनालिसिस डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किसने पहली बार डीएनए का विश्लेषण किया? चलिए जल्दी बताइए यहां पर, बिल्कुल सही बात है मनीषा राजपूत, एकदम सही बात बता रहे हो। क्या आंसर होगा इसका नेक्स्ट, इनोसेंट जट, ठीक है आंसर आपका, जय हो एग्जामपुर की, बिल्कुल लखरेच। चलो आंसर बताओ यहाँ पे, क्या आंसर होगा 21 का, क्या आंसर होगा बेटा? आपस में बात मत करो, बताओ मुझे जल्दी से। देखो अब सब बिल्कुल यहाँ पे ना अब शुरू हो गए, अब गलत गलत आंसर देना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। क्या आंसर होगा 21 का? ठीक है, गुड। देखो एक वर्ड, अब देखो यहाँ पे ना बच्चे ना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखो एक वर्ड, एक चीज अब आप यहाँ पर नोटिस करो, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है डिस्कवरी यानी कि खोज करना। सब इधर देखो जरा, आपने अपनी आंखें, अपना दिमाग और अपना कान सब कुछ खोल करके यहाँ पर देखो। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि डिस्कवरी मतलब खोज, फिर होता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब ये होता है निरीक्षण करना, क्या होता है निरीक्षण करना। ठीक है, निरीक्षण करना इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं पहले ही सही था, निरीक्षण करना जो भी है देख लेना। ठीक है, दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर का क्या होता है, एनालिसिस करना, एनालिसिस करना जिसको आप क्या कहते हैं, विश्लेषण करना, क्या कहते हो, विश्लेषण करना। ठीक है, अब देखो बेटा जब भी ये तीन शब्द आते हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या लिखा है, डिस्कवरी, खोज करना। खोज किसने की थी आप बताओगे, ऑर्थर कॉम्बोर्ग ने की थी। ठीक है, इसके बाद ऑब्जर्व कब किसने किया था,
आप तभी भी आंसर देंगे यहाँ पर ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वर्ड आता है एनालिसिस यानी कि निरीक्षण परीक्षण यानी कि डीएनए कैसा है, कैसा बना हुआ है, क्या है, तो ये काम किसने किया था? वॉटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, तो जो 21st का आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, और इससे पहले जब मैंने रात को आपको क्लास कराई थी तो जो ए ऑप्शन दिया था वो मैंने कब आपको बताया था कि जब उसका ऑब्जर्वेशन किसने किया था। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है कि विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किसने किया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो अब यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी आंसर होगा। चलिए, हाँ तो क्वेश्चन जहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना कि आप आते हो वहीं पे आप गलत कर देते हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्कवरी किसने की थी तो ऑर्थर ने की थी, लेकिन एनालिसिस किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। चलो नेक्स्ट है, अब इसके बाद यहाँ पर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बियर इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता नहीं मुझे रानी, मुझे इस बारे में नहीं पता है। चलो जल्दी बता दो यहाँ पर क्या आंसर होगा। नहीं, सबका गलत आंसर है, सबका गलत आंसर है। अगर हम यहाँ पे 22nd के बारे में बात करते हैं तो 22nd का आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए आंसर होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा है, ठीक है, जो सबसे छोटा है वह कौन सा है? अब कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वायरस, वायरस को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि अगर हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो वायरस क्या है? सबसे पहले तो आप लिख लो, यहाँ पे लिखो अपने अपनी नोटबुक में, यह कैसा है? असेलुलर है। सबसे पहली चीज तो यह असेलुलर है, इसका मतलब अकोशीय है, अकोशीय है, इसका मतलब यह किसी भी कोशिका से नहीं बना हुआ है, यह किसी भी कोशिका से वायरस नहीं बना हुआ है। तो यह किससे बना हुआ है? कल मैंने बताया था आपको, यह क्या है एक्चुअली में? न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल यह होता है। क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल यह होता है, इसका मतलब यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना एक कण है। किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना एक कण है, या किसी तरह की कोई कोशिका नहीं होती है। ठीक है बेटा, अब दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि यह शरीर के बाहर जब होता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे वायरस घूम रहे होंगे, लेकिन वो मुझ पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है वैसे ही वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो इसको जिंदा होने वाले जो लक्षण हैं उनको दिखाने के लिए किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है, किसी भी शरीर की ज़रूरत होती है। क्लियर है? तो अब इसके बाद अगर हम वायरस की बात करते हैं तो क्या है? इट इज द कनेक्टिव लिंक। यह क्या है? एक तरह का कनेक्टिव लिंक है। किसके किसके बीच के कनेक्टिव लिंक है आप बताओ? कि बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, यह निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। चलो इसको जल्दी लिख लो, ये आप लोगों के लिए शायद नया था, है ना? तो जल्दी लिखो यहाँ पे। अगर हम वायरस के बारे में बात करें तो वायरस क्या होगा? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो जब हम यही कह रहे हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है तो उसको तो छोटा आप लिख ही नहीं सकते हो, तो इस वजह से जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि बैक्टीरिया। और कौन सी बैक्टीरिया? आपको पता है ना, माइकोबैक्टीरियम यहाँ पर सबसे छोटी होती है, या फिर आप लिख सकते हो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लिख लो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। ये जो बैक्टीरिया है इसी को हम सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद
फटाफट से, नहीं बेटा शुक्राणु नहीं आएगा, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी है, मानव शरीर की सबसे छोटी शुक्राणु है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूरे वर्ल्ड की पूछ रहा है, ठीक है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू दीप, चलो पढ़ो यहाँ पे फटाफट से नेक्स्ट। जब हम जमाई लेते हैं तो हम जमाई क्यों लेते हैं? बेटा माइकोप्लाज्मा ही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है दादाजी, क्यों मेरे ऊपर नाराज हो रहे हो? अब डंडा भी दिखाओगे क्या मुझे? चलो लिखो, बताओ यहाँ पे जमाई क्यों आती है? आप जमाई लेते रहते हैं, जमाई क्यों आती है? 23 बताओ बेटा, वेरी गुड अंजू का आंसर बिल्कुल सही है, अजय का आंसर सही है, उपेंद्र का आंसर सही है, ठीक है, और नीतीश का आंसर बिल्कुल सही है, मनु का आंसर सही है, अजय सैनी का आंसर सही है। ठीक है, तो जो आंसर है यहाँ पर जो भी है, जो भी हो लिख गया है उसमें आप देखो कि जो ए आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 23 के बारे में तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, कौन सा आंसर होगा बेटा? ए आंसर होगा। ठीक है, ए आंसर होगा। नहीं मंटू, क्लास लगेगी आपकी एनटीपीसी वाली, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी वाली क्लास लगेगी। अरे बेटा बी और सी से हमें क्या करना, ए सही है ना, बस ए लिखो, चुपचाप से ए लिखो। चलो, ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें बहुत ज़ोर से जमाई आती है, वॉइन आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज रिस्पायरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन? इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास श्वसन अंग तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? अब काफी बच्चे कहेंगे अच्छा ये तो मेरी बात हो रही है, तुम भी तो ऐसे ही हो। ठीक है, चलो जल्दी बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा, मजाक कर रही थी, ये लिख के मत आ जाना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। चलो बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा? वेरी गुड, स्टार फिश, ऋतु, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। सचिन का आंसर बिल्कुल सही है और मनीषा का आंसर सही है, अंजू का सही है यहाँ पर, और मनु का आंसर सही है। ठीक है, मनु का आंसर बिल्कुल सही है, तो आंसर यहाँ पर होगा बी, और दिव्यांशु और सचिन का आंसर भी ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 24th के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, स्टार फिश होगा। क्या होगा? स्टार फिश। ठीक है, नेहू का आंसर बिल्कुल ठीक है, स्टार फिश यहां पर सही आंसर है। ठीक है, अब कह रहे मैम प्रियंका बेटा देखो ध्यान से, है ना, जल्दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से यहां पर। ठीक है, अपना नाम मत लिख के आ जाना, कहोगे अरे ये तो मैं हूं, ऐसा मत करना। ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनाने में मदद करता है? 25 का आंसर दीजिए यहां पर, 25वें का आंसर दीजिए, चलिए 25th का आंसर कर दो जल्दी से। वेरी गुड, विटामिन के, अल्बर्ट आशीष, एकदम सही आंसर है आपका। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 25th के बारे में तो जो आंसर होता है वह कौन सा होगा यहाँ पर, आप बताएंगे विटामिन के, तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बच्चे का ऑफलाइन मेरे पास कमेंट आया था, तुम में, मेरे को नाम याद नहीं है, तुम में से अगर कोई हो या बाद में देखे, तो उसने लिखा हुआ था कि मैम आपने क्लास में कोई क्वेश्चन गलत बता दिया है। तो कल वाली जो मॉर्निंग की क्लास थी उसमें कोई, मतलब ये वाला जो दिन वाला सेशन था उसमें कोई भी आंसर गलत नहीं था। ठीक है, एनटीपीसी की जो परसों की क्लास में थी उसमें से एक क्वेश्चन गलत था, तो वो मैंने इसलिए होल्ड में कर दिया क्योंकि मैं उसी क्लास में उसको समझाऊंगी। ठीक है, और एक बच्चे ने ये भी लिखा था कि मैम इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, हमका हमका, तो बेटा देखो तुम मेरे को प्रवचन मत दो, मेरी एज है तुमको प्रवचन देने की, आ रही बात समझ? तो अपने काम से काम रखा करो, पढ़ा करो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कब से पढ़ा रही हूँ, फरवरी से पढ़ा रही हूँ, अगर जल्दबाजी में एक गलत हो गया तो मैं दूसरे दिन ठीक भी करा देती हूँ। ठीक है, और पहली बार ऐसा मिस्टेक हो गया क्योंकि जल्दी था, क्लास को एंड करना था इस वजह से। ठीक है, तो फालतू की बातें नहीं करते हैं, जो भी ये बच्चा सुन ले समझ ले अच्छे से, आइंदा इस तरह से मेरे पास मैसेज नहीं आना चाहिए। ये जरूर कह सकते हो कि मैम इसमें थोड़ा सा गलती हो गई। और एक तो बच्चा लिख रहा है, क्या ये बच्चा लिख के भेज रहा है, एक इसको क्या समझूं,
तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे इतना बोलोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 25 का आंसर हो गया है, ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे 26 का जो आंसर है यहाँ पर, ठीक है 26 का जो आंसर है यहाँ पर, ठीक है वह कौन सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ए सब्सटेंस, हाँ यही वाला बिल्कुल सही बात है कि आदर्श वोल्ट मीटर वाला नहीं, जय एग्जाम्पुर मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी बच्चा, एक बच्चे ने अलग से मैसेज किया हुआ है मुझे, है ना, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। तुमने तो बिल्कुल सही चीज़ पूछी थी, एक दो बच्चों ने और भी लिखा था, ठीक है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे मैं नाराज़ नहीं हूँ। देखो हो जाती है गलती, मैं एक्सेप्ट करती हूँ भैया, हो गई गलती ख़त्म बात, उसको NTPC में सही करा दिया जाएगा। जब भी होता है ऐसा मैं अपनी वीडियो देखती हूँ, कमेंट भी पढ़ती हूँ और दूसरे दिन उसको मैं ठीक भी करवा देती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बदतमीजी करेंगे ना तो उनको हमेशा के लिए या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर मन से बहुत गलत भाव निकलता है और कोई बात नहीं है। बाकी देखो भाई मैं तो टीचर हूँ, मेरा तो काम है सही पढ़ाना। चलो अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। चलो जल्दी से आंसर कर दो यहाँ पर। वह पदार्थ जो जीव के अंदर एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए शरीर को उत्तेजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? रंजन और किंग और सभी का आंसर बिल्कुल सही है ऑलमोस्ट, ठीक है ठीक है महेंद्र सामने होते तो ये वही था। ठीक है अगर हम 26 के बारे में बात करते हैं तो 26 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी आंसर होगा कि जो प्रतिजन होता है यानी कि जो एंटीजन होता है, एंटीजन ही क्या है, सबसे पहले हमारे शरीर में आता है, किसी तरह का वायरस हो सकता है, किसी तरह का बैक्टीरिया हो सकता है, किसी तरह का फंजाई हो सकता है, किसी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारे शरीर में क्या होता है कि उसके अगेंस्ट, हमारे शरीर को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट बहुत सारे कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको क्या कहा जाएगा यहाँ पर, आप बताओगे प्रतिजन कहा जाता है या एंटीजन कहा जाता है। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस रिफर टू ए ग्रुप ऑफ, डार्विन फिंचेस किस समूह के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है? चलिए जल्दी बता दीजिए आप 27 का आंसर क्या होगा यहां पर, 27 का आंसर क्या होगा यहां पर, क्या आंसर होगा बेटा? पक्षी होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका जो आंसर है वह कौन सा होगा? सी। तो जो डार्विन थे उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, पहले आइलैंड में गए, एक टापू में गए, ठीक है, और फिर उन्होंने यह बताया कि जिस तरीके से हमारे आसपास का वातावरण होता है उसी के हिसाब से जो बर्ड होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, उनकी चोंचों की बनावट कैसे हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, है ना। तो चोंच के जो बनावट थी वो किसकी देखी उन्होंने? पक्षियों के समूह की देखी, और पक्षियों का जो समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है? फिंच कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी आंसर होगा, यानी कि पक्षियों का जो समूह है उसके लिए इन्होंने यह शब्द का उपयोग किया था। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर आफ्टर बर्थ इज, ऐसी कौन सी सेल होती है, ऐसी कौन सी टिश्यू होती है जो मनुष्य शरीर में अगर एक बार बन जाती है तो उसमें किसी तरह का कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यही आपको आंसर करना है। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, किसका? 28 का क्या आंसर होगा बेटा, क्या आंसर होगा जल्दी बताओ? बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी कि तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका होती है, जो न्यूरॉन होता है जो एक बार जैसा बन गया वैसा ही बना रहता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो तंत्रिका तंत्र होती है वह हमारे ब्रेन यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है उससे यह रिलेटेड होती है। इसको आप सभी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक है 28 हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 29 के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 29 का क्वेश्चन,
29 का क्वेश्चन है यहाँ पर, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका स्रोत क्या है, यानी कि ऑक्सीजन पैदा होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, तो उसका स्रोत क्या है? जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका, बहुत ही ईजी है, सिंपल सी बात है, क्या होगा? पानी होगा, पानी, ठीक है, तो पानी क्या है? H2O, तो यही O वाला है, वो आगे मिलकर के क्या बना लेता है? ऑक्सीजन बना देता है, तो जो 29 का जो आंसर होगा है ना, उसका आंसर क्या है यहाँ पर? A आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों? A आंसर होगा, तो जल्दी से यहाँ पे लिखिए, A आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद टीथ डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दंत विकार के साथ जुड़ा हुआ है? चलो जल्दी से आंसर करो इसका, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए, वेरी गुड, फ्लोरीन, बी आंसर इसका सही है, कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है, नेक्स्ट, जब आप पानी पीते हैं या जिस पानी से आप मुंह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उस पानी के अंदर अगर आप देखते हैं फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो आपके दांत पीले पड़ने लग जाते हैं, आपके दांत घिसने लग जाते हैं, आपके दांतों में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से छोटे छोटे से छेद भी हो सकते हैं और आपका दांत काला भी हो दिखाई देने लग सकता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, 31st क्वेश्चन, ठीक है, 31st क्वेश्चन के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यूरिन, ठीक है, जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, उसमें इनमें से कौन सा नॉर्मल नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसा कंपाउंड या ऐसा मटेरियल आपके यूरिन में पास हो रहा है तो इसका मतलब आप बीमार हो, आपके शरीर में कोई दिक्कत है, आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वह कौन सा होगा, कौन सा होगा, जल्दी बता दो बेटा कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, कीटोन बॉडीज, गुड, तो अगर हम इसमें 36 के बारे में बात करते हैं तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी आंसर होगा, अगर आपकी बॉडी से कीटोन बॉडी निकल रही है, ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो आपके लीवर में हो रहा था वो छन नहीं रहा है, डायरेक्ट आपकी यूरिन से निकल जा रहा है, इसका मतलब आपकी किडनी सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है और वो कीटोन बॉडी जो प्रोटीन का क्या है, एक वेस्ट पार्ट है, वह आपके बॉडी से बाहर निकल रहा है, जो क्या बताएगा कि आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल यह एक असामान्य घटक है, ठीक है, चलो तो फिर आज इतना ही काफी है, ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, हमारा टाइम हो चुका है, हमारे एडिटर साहब बोल दिए कि मैम अब तो टाइम खत्म हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम फिर से मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, कल वो फिर से मैं आप सभी को करवाती हूँ, प्लीज़ बार बार इसको रिवाइज करिए, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से आपका एग्ज़ाम निपट जाएगा, ठीक है, काफ़ी बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि मैम NTPC की डेट कब आएगी, बेटा अभी कोई भी डेट नहीं आई है, लेकिन ऐसा अनुमान था कि सितंबर तक हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि सितंबर लास्ट तक भी आपका होगा, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च हुए हैं, तो जो 11 बजे आपकी संडे की क्लास थी जिसमें सर ने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए थे, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप हमारी ऐप में उसे देख सकते हैं, इसके अलावा रात को मिलते हैं, NTPC की स्पेशल क्लास है, लेकिन जो SSC JEE वाले बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान रखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छा अच्छा सा खाना खाओ, टेंशन मत लो, टेंशन से अच्छा है 3-4 क्वेश्चन आप अपने याद कर सकते हैं, तो ठीक है, तो फिर इवनिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। साथियों, अब एग्जाम्पल परिवार आपके लिए ला रहा है RRB NTPC और RRC ग्रुप डी टेस्ट कोर्स, इसके साथ साथ UPTET, CTET और UPSI की शानदार क्लासेस 15 सितंबर से, जिसमें कवर होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन और कंटेंट विद PDF और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए आज ही ज्वाइन करें
एग्जामपुर यूट्यूब चैनल और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। थैंक यू।